हम रहे या ना रहे, हमारी इस वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, रणबीर कपूर की मूवी एनी मेल एंड मूवी सैम बहादुर, दोनों ही मूवी रिलीज के आज पूरे 14 दिन कंप्लीट हो चुका है। और इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे एनी मेल एंड मूवी सैम बहादुर ने 14 दिनों के अंदर टोटली वर्ल्ड वाइडली कितने करोड़ की कलेक्शन किया है। आपसे उम्मीद है कि वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें मूवी एनी मेल के बारे में, तो दोस्तों एनी मेल मूवी के टोटल बजट थे पूरे 100 करोड़। और कलेक्शन की अगर बात करें तो दोस्तों मूवी एनिमल रिलीज के आज पूरे 14 दिन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मूवी एनिमल ने अपने 12 दिनों में टोटली वर्ल्ड वाइडली ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था पूरे 757 करोड़ 73 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, मूवी एनिमल ने अपने 12 दिनों के अंदर टोटली वर्ल्ड वाइडली जो ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था पूरे 757 करोड़ 73 लाख रुपए। और मूवी ने अपने 13वें दिन पे भी, यानी कल, इस मूवी ने वर्ल्ड वाइडली पूरे 17 करोड़ की कलेक्शन कर लिया था। बात की जाए आज की कलेक्शन की, तो दोस्तों रिपोर्ट के जानकारी के अनुसार एनिमल मूवी अपने 14वें दिन पे, यानी आज जो नेट कमाई करने लगे हैं पूरे 9 करोड़ का, जबकि आज के दिन इंडिया पे डोमेस्टिक ग्रॉस कलेक्शन होने लगे हैं पूरे 11 करोड़ रुपए। और आज स्पेशली ओवरसीज, यानी इंडिया के बाहर से जो कमाई आने लगे हैं पूरे 3 करोड़ का। यानी मूवी एनिमल आज अपने 14वें दिन में वर्ल्ड वाइडली जो कमाई करने लगे हैं पूरे 14 करोड़ का। और इसी के साथ दोस्तों मूवी के अगर 14 दिनों के टोटल कलेक्शन को एक साथ जोड़ दी जाए तो दोस्तों मूवी एनिमल के 14 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन होता है पूरे 788 करोड़ 73 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, यही है एनिमल मूवी के 14 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन, जो कि हो चुका है पूरे 788 करोड़ 73 लाख रुपए। यहाँ पे बात करें दोस्तों मूवी सैम बहादुर के बारे में, तो दोस्तों मूवी सैम बहादुर मूवी के टोटल बजट है पूरे 55 करोड़ रुपए। और आज ही मूवी रिलीज के पूरे 14 दिन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मूवी ने अपने पहले हफ्ते में, यानी शुरुआती 7 दिनों में टोटली इंडिया पे जो नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 39 करोड़ का। बात की जाए दोस्तों मूवी के दूसरे हफ्ते की कलेक्शन की, तो दोस्तों मूवी ने अपने 8वें दिन पे नेट कलेक्शन किया था पूरे 3 करोड़ 50 लाख रुपए। अपने 9वें दिन पे नेट कलेक्शन किया था पूरे 1 करोड़ 75 लाख रुपए। अपने 10वें दिन पे नेट कलेक्शन किया था पूरे 7 करोड़ 50 लाख रुपए। अपने 11वें दिन पे नेट कलेक्शन किया था पूरे 2 करोड़ 15 लाख। अपने 12वें दिन पे नेट कलेक्शन किया था पूरे 2 करोड़ 45 लाख रुपए। और अपने 13वें दिन पे, यानी कल, इस मूवी ने जो नेट कलेक्शन किया था पूरे 2 करोड़ 25 लाख, यानी 25 लाख रुपए। बात की जाए दोस्तों मूवी के 14वें दिन, यानी आज की कलेक्शन की, तो दोस्तों सैम बहादुर मूवी आज अपने 14वें दिन में इंडिया पे जो नेट कमाई करने लगे हैं पूरे 2 करोड़ का। और इसके साथ दोस्तों मूवी के 14 दिनों का टोटल इंडिया पे जो नेट कमाई होते हैं पूरे 65 करोड़ 60 लाख रुपए, जबकि 14 दिनों का टोटल इंडिया पे ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है पूरे 83 करोड़ का। और इन 14 दिनों में टोटल कलेक्शन आया है ओवरसीज, यानी इंडिया के बाहर से, पूरे 11 करोड़ का। यानी मूवी सैम बहादुर ने 14 दिनों में टोटली जो वर्ल्ड वाइडली कलेक्शन किया है पूरे 94 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, यही है सैम बहादुर मूवी के 14 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, जो कि हो चुका है पूरे 94 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये मूवी सैम बहादुर भी सुपरहिट मूवी साबित हुआ है। तो आज के वीडियो पे इतना ही। आपसे उम्मीद है कि इसी तरह के मूवीज अपडेट वीडियो के लिए, बॉक्स ऑफिस के खबरें के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में। टेक केयर, बाय दोस्तों।